नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस। मैं हूं आपके साथ पीयूष कुमार और आज हम इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 14 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप हमारे साथ आज हम इस वक्त मौजूद हैं किड्स केयर प्री स्कूल के अंदर, जो कि अभिनव समाज द्वारा आज यहां पर गरीब बच्चों को बैग वितरित कराए जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं अभिनव समाज के संस्थापक से, एनजीओ से, जो कि इस स्कूल के लिए कार्य कर रहा है, गरीब बच्चों के लिए काफ़ी वर्षों से वृद्ध महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए प्रोवाइड वितरित करवाता है सभी तरीके के समाज। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम इस वक्त एंटर हो चुके हैं और इसी के साथ हमारे यहाँ पर सभी अभिनव समाज बैठा हुआ है और यहाँ पर सभी बच्चे गरीब बच्चे हैं जिनको आज अब ये बैग वितरित कराए जाएंगे। इसी के साथ हम दिखाते हैं और आप मैं जीके गुप्ता, चेयरमैन अभिनव समाज उत्तम नगर से हूँ। सर, आप ये जो आपका अभिनव समाज एनजीओ है, जो बच्चों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, ओल्ड एज होम के लिए आप इतना करते हैं, इसको कब से आप इस संस्था को चला रहे हैं? ये 2010 से चला रहे हैं जी। कि जी, हमारे तो संस्था का मेन काम तो वैसे हम लोग एक फ्री ओल्ड एज होम, वृद्ध आश्रम चला रहे हैं, जहां अपने बच्चों द्वारा छोड़े हुए, निकाले हुए पेरेंट्स को रखते हैं। और अब साथ साथ कोविड के टाइम से हमने एजुकेशन पे भी काम शुरू किया है। एजुकेशन में हम लोग स्लम कॉलोनीज़ में बच्चों को स्टडी मटेरियल, बुक्स और दूसरी कोचिंग क्लासेस भी देते हैं। और अभी लेटेस्ट हम लोग ये स्कूल बैग्स बांट रहे हैं बच्चों। क्यों जी, मेन तो मेरा विचार जो है, मेरी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। मेरी 2004 में सब स्टार ऑफिस में पोस्टिंग थी, वहाँ एक दो घटनाएं ऐसी हो गई थी कि वो एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया। तो वो उस टाइम 2004 में एक केस मीडिया में बड़ा फेमस हुआ था, एक लेडी की दिन में हम लोगों ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की थी और शाम को वो रोती हुई हमारे पास आई कि जी, मेरा बेटा मुझे एयरपोर्ट के बाहर छोड़ के अमेरिका चला गया। तो वो एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है कि सवेरे तक एक लेडी जो करोड़पति थी और शाम को उसके हाथ में कटोरा था, एक तरह से उसके पास कुछ भी नहीं था। तो वो उसको हम लोग उस टाइम कोई हेल्प कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो मेरा तो पार्ट ऑफ ड्यूटी था। और एक बार रजिस्ट्री होने के बाद उसको हम लोग रिवर्स कर नहीं सकते। तो वो बड़े दिन मैं उसके लिए डिस्टर्ब रहा कि मेरे हाथ से कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो एल्डरली लोगों पे काम शुरू किया तो देखा एल्डरली लोगों का साथ में जो है अनाथ बच्चों का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनता है। तो साथ साथ फिर हम लोगों ने थोड़ा बच्चों पे भी काम शुरू किया, तो उससे हमारे एजुकेशन प्रोग्राम में जो हमसे हो पाती है जी, हम लोग जितना लोगों का सहयोग मिल पाता है और हमारी जितनी वो कैपेसिटी है, हम लोग कर रहे हैं काम। कितने स्थानों पर आपने एनजीओ खोला हुआ है, और कितने लोग हमारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं? आपके एनजीओ में कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे एनजीओ में तो 10-12 लोग हैं जी, काम करते हैं। बाकी जुड़े हुए तो कई एनजीओ हैं, कई संस्थाएं जुड़ी हैं। ये संस्था भी आज जहाँ ये बांट रहे हैं हम लोग, ये भी कई साल से हमसे जुड़ी हुई है। मेरा नाम सुषमा है, मैं किड्स केयर प्ले स्कूल चलाती हूँ और कोचिंग सेंटर नर्सरी टू 10। जैसा कि मैम आज हम देख पा रहे हैं, अभिनव समाज के साथ आप जुड़ के गरीब बच्चों के लिए आज बैग वितरित कराए जा रहे हैं, तो कब से आप इस समाज से जुड़े हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस समाज से मैं अभी 4-5 सालों से मैं भी जुड़ी हूँ और ये 2010 से वर्क कर रही है।
बट मैं इतना कहना चाहूँगी, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे जितना मैं जानती हूँ। अभी तो इन्होंने लास्ट संडे लेडीज़ों को सैनिटरी पैड वगैरह, ड्रॉल्स वगैरह बहुत कुछ दिया था। फिर ये कभी कभी भूखे बच्चों को भोजन वगैरह भी देते रहते हैं। हमारे बच्चों को ये पेंसिल्स है, इरेजर्स है, बहुत सी फैसिलिटीज़ देते रहते हैं जो नीडी बच्चे। मैम इन्होंने बताया कि वृद्ध आश्रम, वृद्ध महिलाओं के लिए भी सेवा करते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, ये ओल्ड एज होम चलाते हैं जहाँ पर जिनके बच्चे नहीं देखते, जो नीडी होते हैं उनको ये खाने वाने का रहने का भी ओल्ड एज होम इनके काफ़ी दो चार है जो मेरे नॉलेज में है। अभी नव समाज के द्वारा क्या सेवा रहेगी, कितने बच्चों को ये बैग वितरित कराए जाएंगे? अभी तो ये हम 500 बच्चों को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं और उसके और कुछ जो और भी नीडी पर्सन है उनको हम 500 बैग वितरित कर रहे हैं। मैम कौन कौन सी कैटेगरी के आपके पास बच्चे पढ़ते हैं? हमारे पास तो हर तरह के है, जो नीडी है वो भी है, जो अच्छे है वो भी है। मतलब ये नहीं कह सकते कैटेगरी तो कुछ नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे जो सही पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वही मेरे पास पढ़ते हैं, कैटेगरी नहीं देखती मैं। हर तरह के बच्चे, छोटे हो बड़े हो, जरूरत तो सबको है एजुकेशन की। तो ज़्यादातर आपको झुग्गियों से भी मिलेंगे, कुछ ज़्यादातर पुलिस के बच्चे भी यहाँ पे है, ICSF के भी है, सभी जरूरतमंद बच्चों के लिए। नहीं तो हाँ, जो इस मुकाम पे जुड़ा हुआ है और काफ़ी जगह अपनी संस्था चला रहा है, जैसे कि वृद्ध महिलाओं को आपने बताया, ओल्ड एज होम चला रहे हैं, बच्चों को आज बैग वितरित करा रहे हैं, यानी काफ़ी समय से और काफ़ी अच्छा प्रयास इन्होंने किया है और आप इनके साथ जुड़े हुए हैं इतने समय से, तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर को मैं जितना जानती हूँ, इन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छी चीज़ें बैग्स है, जैसे बच्चों को नीडी बच्चों को बैग का बहुत शौक होता है कि बैग चाहिए, उनके पेरेंट्स गंदे से मतलब बैग दिया, बॉटल्स दिए बच्चों को, जरूरत की चीज़ें दी, कभी शूज भी बांटा है इन्होंने, जो लगा कि बच्चों के लिए नीड है, एजुकेशन के लिए चाहिए, कॉपी है, पेंसिल्स है, और लेडी को भी जो लेडी के लिए हाइजेनिक चीज़ें है, डिटॉल्स है, सैनिटाइजर्स है, सभी चीज़ें इन्होंने बांटे हैं। फिर कभी कभी वैसे भी भोजन वगैरह जो पड़ती है ठंडे अंडों को ये प्रोवाइड करते हैं। मैनेजर में तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा करेगी, तभी मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। पहले आप अपने इंट्रोडक्शन बता दीजिए। माय नेम इज़ कविता और मैं इस फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, जिस फाउंडेशन से हम इन सब बच्चों को, इन सब बूढ़ों को बहुत अच्छा और बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आज मैम हमने देखा कि गरीब बच्चे, जो असहयोग बच्चे हैं, उन्हें बैग वितरित कराए गए हैं। ये समाज काफ़ी वर्षों से गरीब, बुजुर्ग और ओल्ड एज होम के लिए काम करता है, तो इसके लिए आपका क्या विचार है? देखिए, विचार हमेशा से यही रहा है कि देश बढ़े, देश उन्नति करे, तो ये बच्चे बढ़ेंगे तो उन्नति करेंगे। तो ये फाउंडेशन इसी चीज़ पे फोकस करती है कि ये फाउंडेशन एजुकेशन को लेके और बूढ़ों को लेके हमेशा से ही साथ खड़ी है, तो हमारा यही वो रहता है हमेशा से इनके साथ। अच्छी सोच को लेकर क्या मैसेज रहना चाहेगा हमारे दर्शकों? मैसेज मेरा ये है कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और ये हैं तो हम हैं, इनसे ही हमारे देश का भविष्य है। ये मोदी जी भी यहीं से खड़े हुए हैं और ये झांसी की रानी भी यहीं से निकली हैं, तो ये भविष्य है हमारा, तो इनको ही बढ़ाना, हमारा नहीं, ये ऊपर वाले ने इनको और हमें इनका सहयोग दिया है कि हम इनकी हेल्प कर सकें। अच्छा, सेवा का विचार आपको कैसे होता? देखो, विचार का कभी सेवा नहीं होता, ये एक टर्न आता है लाइफ में कि आप किसी को देख के एकदम से आपके मन में एक विचार आता है कि ये इसके साथ गलत हो रहा है या इनको ये सब नहीं मिल रहा, तो ये सब अगर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, वैसे हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अब कहते हैं ना, एक एक करके अगर हम शुरुआत करेंगे तो मुहिम बढ़ती चली जाएगी, तो ये शुरुआत है अभी, देखो अब आगे कहाँ तक जाके रुकती है। मैं अधिवक्ता योगेश मैनी अभिनव समाज से जुड़ा हुआ हूँ और अभिनव समाज के लिए ही अधिवक्ता का काम करता हूँ, और पिछले करीब 5-6 साल से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 5-6 साल में मैंने देखा जो इस संस्था के चेयरपर्सन हैं श्री गोपाल गुप्ता जी, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। मैं उनसे मिला था एक अधिवक्ता के तौर पर जब मैंने उनके काम करते हुए देखा और उनका जो जोश है, जो उमंग है, आज इस 70 साल की उम्र में भी मुझे इतना प्रेरित करा उन्होंने कि मैं अपने अधिवक्ता का काम तो मैं अपने सुचारू रूप से कर रहा हूँ, पर जैसे जब मुझे जानकारी मिलती है गुप्ता जी के बारे में कि कोई कार्यक्रम किया जा रहा है, सामाजिक कार्यक्रम किया जा रहा है या समाज के प्रोत्साहन को लेकर कोई कार्यक्रम दिया जा रहा है, तो मैं ज़रूर अथक प्रयास करता हूँ कि मैं उनसे आकर जुड़ूँ और इनके हाथ से हाथ मिला बढ़ाकर इनके साथ काम करूँ। सर, आज हमने देखा एजुकेशनल सपोर्ट कैंपेन बच्चों के प्रति जो ये चलाया गया है, इतने बैग डिस्ट्रीब्यूट कराए गए हैं, इतने वितरित कराए गए, इतने उनके साथ आज मैंने इतना जोश देखा, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे एनजीओ के? देखिए जी, जो हमारे चेयरपर्सन हैं गुप्ता जी, ये मुझे नहीं लगता कि इतनी एज है इनकी, ऐसे लगता है यंग एंड चार्मिंग गाय हैं और बच्चों के साथ मिलके बच्चों की तरह काम करना पसंद करते हैं, तो वो जो इनका एंथ्यूजिज्म है, इनके शरीर में जो एनर्जी है,
वो आपको बड़ा, आपको और मुझे बड़ा प्रोत्साहित करती है। और बच्चों में भी आप देख रहे होंगे आज कि कितनी उमंग है कि गुप्ता जी यहाँ पर आए हैं और किस प्रकार ये बैग डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा है। सर, क्या मैसेज होगा आपका हमारे दर्शकों के प्रति, एनजीओ को लेकर, जिससे प्रोत्साहित हो? देखिए जी, मैं तो चाहता हूँ कि समाज का हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में आकर समाज की सेवा करें। आप काम कोई भी करते रहें जो आपका प्रोफेशनल वर्क है, लेकिन अपने समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं उनका भी निर्वहन जरूर करें। इसी के साथ सर, हमने देखा जैसे कि सर ने बताया कि ओल्ड एज होम वृद्ध लोगों के लिए भी सेवा करते हैं, इसके बारे में आपको बताएं। बिल्कुल, मुझे इसके बारे में जानकारी है, मेरा एक दो बार विजिट रहा है वहाँ भी। वहाँ भी मैं देखता हूँ गुप्ता जी को के अभिनव समाज के लोगों को, अब तो मैं भी उनकी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो हम जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चों ने जिनको निकाल दिया है या जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ उनका बिल्कुल ऐसे ख्याल रखा जाता है कि जे उन्हीं के माता पिता हैं, उनको ऐसा कभी एहसास नहीं होता कि वो अपने घर पर नहीं है। सर, कितने वर्ष हो गए अभिनव समाज को? अभिनव संस्था को चलते हुए तो हो गए हैं 13-14 वर्ष, लेकिन मैं इससे जुड़ा हूँ 6-7 साल पहले।